उसकी बुआ गोद में लेके पैरात को बैठ गई और वो पैरात तो बच गया वो बुराई थी वो खत्म हो गई और हमारे हिंदू का तो ये बहुत ही दिवाली रही है तो बहुत ही बड़ा दिवाली मेरी उम्र चौरासी साल है और सन छप्पन में शादी होकर यहाँ आई थी कराट पुलिस और अब तो बीस हजार कमाल हो, तो भी नहीं खा सकते नमस्कार मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी दोस्तों कल रंगों का त्यौहार है यानी कि होली है और होली से होली के रंगों से एक दिन पहले मनाया जाता है होलिका दहन को होलिका की यहाँ पे पूजा की जाती है होलिका की पूजा का भी हिंदू धर्म के अंदर एक अपना विशेष महत्व है अगर बात की जाए तो इसे बुराई पर अच्छाई की जीत को ये दर्शाता है होलिका दहन होलिका दहन की जो प्रथा है अगर उसकी बात की जाए तो इस तरीके से लकड़ियों के साथ साथ उपलों को भी होलिका दहन में जो है वो जलाने की प्रथा है इसके लिए भी मुहूर्त और उन सारी चीज़ों को जो है वो तय किया जाता है कहा यह जाता है कि अभी 2024 में 17 मार्च से शुरुआत हुई थी होलास्टक की होलास्टक के, होलाश्टक के अब होली के बाद वो होलास्टक खत्म हो जाता है और इसके बाद कोई भी शुभ कार्य विवाह आदि शुभ कार्य करने के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो खुल जाते हैं होलिका दहन के लिए भी एक कहानी एक कथा जो है वो काफ़ी विख्यात है कहा जाता है कि हिरणाकश्य एक राक्षस था जो कि भगवान को नहीं मानता था वो स्वयं को भगवान मानता था लेकिन हृणाकश्यप का जो बेटा था प्रहलाद वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था हिरणाकश्यप को ये अपनी बुराई लगी हिरणाकश्यप को इसमें जो है अपनी बेजती लगी तो उसने अपने पुत्र को अपनी बहन होलिका की गोद में बिठाकर जलाने का और जान से मारने का प्रयास किया बताया जाता है कि वो होलिका को भगवान से वरदान था कि वो कभी भी नहीं जल सकती लेकिन जब प्रहलाद को लेकर वो लकड़ियों के ऊपर और उपलों के ऊपर बैठी तो होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद जीवित बच गए ये थी भगवान विष्णु की शक्ति इसी को अगर बात की जाए तो प्रतीक ऐसे भी माना जाता है कि लकड़ियों के बीच में जो सेंटर में एक डंडा लगाया जाता है उसको प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है और होलिका दहन के बाद उस डंडे को निकाल के रख लिया जाता है आप लोग देख सकते हैं कि जगह जगह पर आपके आसपास भी इस तरीके के लकड़ियों के ढेर जो है वो बनाए जाएंगे शाम के वक्त यहाँ पे जो है वो होलिका दहन होगा और उसके बाद रंगों की होली की शुरुआत होती है एक दिन रंगों के साथ लोग हर किसी से बुराई से अच्छाई के मार्ग पर चलने की बात करते हैं लोगों का मानना है कि होली के दिन सारी बुराइयों को त्याग देना चाहिए होली के दिन सभी को माफ़ कर देना चाहिए होली के दिन रंगों में रंग जाना चाहिए और जैसे सब रंग मिलकर अपना अस्तित्व नहीं खोते वैसे ही सबको एक साथ होकर काम करना चाहिए होलिका दहन का अपने आप में ही एक विशेष महत्व है लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे की होली होलिका दहन क्यों होता है और जानते हैं कि लोगों को कितनी जानकारी है तो देखिए कहा जाता है कि बुजुर्ग जो है वो हमें सही दिशा देते हैं हमारे साथ यहाँ पे दो अम्मा बैठी हुई हैं उनसे जान लेते हैं अम्मा होलिका दहन वाले दिन होली से एक दिन पहले होलिका जलाई जाती है क्यों जलाई जाती है क्या मान्यता है थोड़ा बताएंगे ये देखिए पूर्व वजह की वजह से हिंडा कश्यप थे वो अपने आप को भगवान समझते थे और पहला भगत था वो भगवान को मानते थे तो हिंडा कश्यप ने बहुत सी खम्बा आग में लग, लगाया तब भी वो चीटियां चल रही थी वो और कुछ भी नहीं हुआ पहाड़ से गिराया तब भी नहीं फिर उसने अपनी बहन को तैयार किया कि इसको आग में लेके ये चल जाएगा और तुम बच जाओगी तो वो आज के दिन उसकी बुआ गोद में लेके पैरात को बैठ गई और वो पैरात तो बच गया वो बुराई थी वो खत्म हो गई तो आज के दिन जितने लड़ाई झगड़े वो सब जल जाते हैं और ये चालू हो जाती है इसके प्रतीक ये त्योहार माना गया के जितनी भी अच्छा ये बोला जाता है कि भद्रा काल में जो है वो पूजा नहीं होती है होलिका की उसके बाद जो है वो होती है आज से जो है वो विवाह जो है उनकी भी शुरुआत हो जाएगी हाँ जी बिल्कुल शादी भी फिर पहली तारीख से नवराते भी चालू है जो ये वहाँ बुराइये और जो ये गलत कहता था कि मैं भगवान हूँ वो जितने राक्षस थे वो सब आग में जल जाएंगे और भगवान के प्रतीक वो चालू हो जाएंगे त्यौहार कितने आते हैं ये सब इसी की परंपरा से लोग घर में गुजिया बनाते हैं एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं मिलने जाते हैं घर में पकवान बनाते हैं तो ये एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है जिसको मानता हिंदुओं में क्या सभी लोग मनाते हैं हाँ तो इसलिए इसको पूजा जाता है और हमारे हिंदू का तो ये बहुत ही दिवाली और ये तो बहुत ही बड़ा त्योहार है तो बड़ा। मेरी उम्र चौरासी साल है और सन छप्पन में शादी होकर यहाँ आई थी कराट अच्छा। हाँ यहाँ कुछ भी नहीं था तांगे आते थे हाँ। और सौ रुपए की इनकम टैक्स में नौकरी करते थे आठ बच्चे थे अच्छा। और सुपर बाजार में चालीस रुपए का सामान लाती थी, थी भर के हाँ। खूब अच्छा खाते थे और अब तो बीस हजार कमा लो तब भी नहीं खा सकते हैं। हाँ। एक रुपए का दस किलो आटा भी जाती है महंगाई जैसी बुराई भी जो है वो कम होनी चाहिए होनी चाहिए और मोदी जी से ये निवेदन है कि गरीब लोग को मकान जिनके लिए सड़क पर बैठे हैं उनको खाना कपड़ा दे राशन कार्ड बंद कर दिए उनके प्रति के राशन कार्ड देखो बड़े लोगों के लिए तो सब कोई ध्यान करता पर गरीबों के लिए जो पटरी पे सो रहे हैं नहीं। जो नहीं रहें बसेरे में रह रहे हैं उनको भी तो मोदी जी ने देखना चाहिए मैं यही उनसे निवेदन कर रही हूँ बिल्कुल देखिए होली का दहन है आज और कल होली है रंगों का त्यौहार है और उसी पे देश के प्रधानमंत्री मोदी से अमा की एक अपील है कि देश के गरीबों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए आप लोग क्या समझते हैं महंगाई जैसी बुराई भी कम होनी चाहिए या नहीं हमें जरूर बताइएगा बने रहिए कैमरामैन रोहित के साथ आशा शर्मा दिल्ली आप देख रहे हैं सौगंध टीवी सौगंध वतन की